Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का फॉर्म फिल करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप फॉर्म भर के उसमें ऐड हो सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल के अबाउट में हिंदी ऑडियो शायरी एक दूसरे यूट्यूब चैनल का भी लिंक है, आप जाकर उसको भी सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप अपनी वीडियोस के लिए कोई म्यूज़िक चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अबाउट में दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑडियो म्यूज़िक फैक्ट्री को वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अब ले चलती हूं आपको वीडियो की ओर। सुमन राजा दशरथ के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महाराज पुत्र वियोग की आशंका से व्याकुल हैं। वे पानी से बाहर निकाल दी गई मछली की तरह तड़प रहे थे। सुमंत ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शन की कामना लिए द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। माताओं एवं अन्य बंधु बांधवों से भेंट करने के बाद वे अब आपके दर्शन हेतु आए हैं, उन्हें भीतर आने की आज्ञा दें। महाराज दशरथ ने धैर्य धारण करते हुए कहा, हे मंत्रीवर, राम के भीतर आने से पहले आप सभी रानियों समस्त परिजनों को यहाँ बुला लाइए। यह तो निश्चित हो चुका है कि राम वनगमन करेंगे ही। मुझे यह भी ज्ञात है कि राम के वियोग में मेरी मृत्यु भी असंभव संभावी है। अतः मैं चाहता हूँ कि इन दोनों महान घटनाओं को देखने हेतु मेरा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित रहे। सुमंत ने महाराज की आज्ञानुसार सभी रानियों तथा परिजनों को बुलवा लिया। इसके पश्चात राम सीता और लक्ष्मण को भी वो महाराज के पास ले आए। हाथ जोड़े हुए राम वहाँ पर उपस्थित अपने पिता और माताओं की ओर बढ़े। राम को इस प्रकार आता देखकर महाराज दशरथ उन्हें हृदय से लगाने की अभिलाषा से अपने आसन से उठ खड़े हुए, किंतु अत्यधिक शोक और दुर्बल होने के कारण वे केवल एक पग बढ़ाते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। पिता की ऐसी हालत देखकर राम और लक्ष्मण ने तत्काल उन्हें सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। महाराज की मूर्छा भंग होने पर राम ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा, हे पिता, आप ही हम सबके स्वामी हैं, कृपा करके आप धैर्य धारण करें और हम तीनों को आशीर्वाद दें कि हम वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने हेतु उसके पश्चात पुनः आपके दर्शन करें। महाराज दशरथ ने आर्द्र स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें वनों में भटकने के लिए भेजने की मेरी कदापि इच्छा नहीं है, किंतु मैं विवश हूँ। अब मैं इससे अधिक और क्या कह सकता हूँ कि जाओ, तुम्हारे वनवास का काल कल्याणकारी हो, ईश्वर सदैव तुम्हारी रक्षा करे। मुझे इस बात की भी आशा नहीं है कि तुम्हारे वापस आने तक मैं जीवित रह पाऊँगा। फिर भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे लौटने पर मैं तुम्हें पुनः देख पाऊँ। वहाँ पर उपस्थित गुरु वशिष्ठ, महामंत्री,
सुमंत आदि वरिष्ठ जनों ने एक बार फिर से कैकेयी को समझाने का प्रयास किया कि वो अपना वर वापस ले लें, किंतु कैकेयी अपने इरादों पर अडिग रही। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि राम के साथ चतुरंगिनी सेना और अन्य धन का कोष भेजने की व्यवस्था हो, किंतु राम ने विनयपूर्वक उनकी इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया। अंत में महाराज ने सुमंत को आदेश दिया, हे मंत्रीवर, आप स्वयं उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आए और इन सबको देश की सीमा से बाहर तक छोड़ें। इतना कहते ही राजा विवल होकर रोने लगे। सुमंत तत्काल ही महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। जैसे ही महाराज ने आज्ञा दी, सुमंत रथ ले आए। राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां पर उपस्थित परिजनों और जन समुदाय का यथोचित अभिवादन किया और रथ पर बैठ के चलने को उद्युक्त हुए। सुमंत के द्वारा रथ हांकना आरंभ करते ही अयोध्या के लाखों नागरिक हाराम हाराम कहते हुए उस रथ के पीछे दौड़ने लगे। जब रथ की गति तेज हो गई और निवासी रथ के साथ साथ दौड़ पाने में असमर्थ हो गए तो उच्च स्वर में कहने लगे, रथ रोको, हम राम के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान जाने अब हमें कब इनके दर्शन हो पाएंगे। राजा दशरथ भी कैकेयी के प्रकोष्ठ से निकलकर ही राम कहते हुए विक्षिप्त की भांति रथ के पीछे दौड़ रहे थे। हाँफते हुए महाराज को रथ के पीछे दौड़ते देखकर सुमंत ने रथ रोका और बोले, हे पृथ्वीपति, रुक जाइए। इस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण के पीछे मत दौड़िए, ऐसा करना पाप है। आपकी आज्ञा से ही तो वो वन आगमन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकना सर्वथा अनुचित और व्यर्थ है। सुमंत के वचन सुनकर महाराज वहीं रुक गए। रथ तीव्र गति से आगे बढ़ गया, किंतु प्रजाजन रोते बिलखते उसके पीछे ही दौड़ते रहे। चित्रलिखित से खड़े महाराज उस रथ को तब तक एकटक निहारते रहे जब तक कि रथ की धूली दृष्टिगत होती रही। धूली का दिखना बंद हो जाने पर वे वहीं हे राम हा लक्ष्मण कहकर भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। मंत्रियों ने तत्काल उन्हें उठाकर एक स्थान पर लिटाया। मूर्छा भंग होने पर मृतपाय से महाराज अस्पष्ट स्वर में कहने लगे, संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं सबसे अभागा व्यक्ति हूँ जिसके दो दो पुत्र एक साथ वृद्ध पिता को बिलकता छोड़कर वन को चले गए। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। फिर वे मंत्रियों से बोले, मैं महारानी कौशल्या के महल में जाना चाहता हूँ, मेरा शेष जीवन वहीं व्यतीत होगा। अब वहाँ के अतिरिक्त मुझे अन्यत्र कहीं भी शांति मिलना असंभव है। राम के वियोग में और लक्ष्मण के जाने के बाद संतप्त महाराज कौशल्या महल में पुनः मूर्छित हो गए। उनकी इस दशा को देखकर महारानी कौशल्या विलाप करने लगी। कौशल्या के विलाप को सुनकर महारानी सुमित्रा वहां आईं और अनेक प्रकार से समझाकर शांत किया। फिर दोनों रानियां महाराजा दशरथ की मूर्छा दूर करने का प्रयास करने लगी। आप सभी के लिए ये एपिसोड निरंतर प्रत्येक रविवार को प्रसारित किए जा रहे हैं। आपकी प्रशंसा के कारण ही ये एपिसोड यहाँ तक पहुँच पाए हैं। आशा है कि इसी प्रकार आपका सहयोग प्यार इस चैनल को मिलता रहेगा। राष्ट्रीय ब्लाइंड यूट्यूब चैनल आपके लिए इसी प्रकार इसके समस्त एपिसोडों को इसी प्रकार बढ़ाता रहेगा। कृपया इसे पसंद आने पर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये समय से आपके पास पहुँचे और आपका प्यार हमें मिल सके। धन्यवाद।